आज आरंभ हो राज्य विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन शीतरे बढ़ ताती तीन दल से रणनीति प्रस्तुत कर विधानसभा उपस्थापन करेंगे। डिसेंबर 31 पर्यंत चलवाक 40 दिन अधिवेशन में प्रश्नकाल रहा सेपटे कोविड परिचालन नहीं राज्य सरकार को घेरवाक विरोधी माने सजवाज होती मात्र विरोधी को काउंटर करने को सरकारी दल रणनीति चूड़ांत कर चलित शीत अधिवेशन विभिन्न कारण नहीं सरगरम रथेष्ट संभावना रही गतकाली संध्या शासक बीजेडी विधायक दल बैठक अनुष्ठित हो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में समस्त विधायकों गृह में उपस्थित रहापी निर्देश दि जा आंध्र दादागिरी और सीमा विवाद प्रसंग को नहीं शासक बीजेडी गृह में निजर आभिमुख्य कठोर करार संभावना रही बैठक संपर्क में सूचना दे सरकारी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक चलित अधिवेशन में मोट 10 बिल उपस्थापन तीनोटी अध्यादेश को आईन में परिणत करने को बिल गृह आसव विरोधी दल राज्य स्वार्थ सह जड़ित जो सब प्रसंग उठाए शासक दल सामना करे से कहते बीजेडी गृह में जातीय शिक्षा नीति प्रसंग उठाइबार संभावना थिबा दल पक्षर कहपरी कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र बासभवन में विधायक दल बैठक बसी विधानसभा रणनीति चूड़ांत हो संपर्क में सूचना दे कांग्रेस विधायक दल उपनेता तारा प्रसाद बाहिनीपति कहते दल पक्ष हाजत मृत्यु प्रसंग सह राज्य बेकारी और प्रवासी श्रमिक समस्या धानमंडी व्यवस्था पूरी हाजत मृत्यु स्कूल खोलिबा और खनिज संपद प्रसंग उठाइब मालकानगिरि जिल्लापालक हत्या संप्रति प्रसंग को भी दल गृह उठाइबे सेपटे विरोधी दल नेता प्रदीप्त कुमार नायकों अध्यक्षतार अनुषित बीजेपी विधायक दल बैठक में गोटे दिन में दुईट हाजत मृत्यु सह राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होगा महिला सुरक्षा बेरोजगार धानमंडी अव्यवस्था हिताधिकार घर देवाई जौन संपर्क रखा बाध्य कोविड परिचालन विफलता सीमा सुरक्षा आदि प्रसंग को गृह में उठाइबे तेज प्रश्नकाल साधारण लोकों मौलिक समस्या अनेकांश उठी नपारे कि प्रश्न उठाइबा चेष्टा आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करवा भक्तों आवेग को हृदयंगम कर मंदिर तुरंत खोल को निष्पत्ति ने राज्य में विपर्यस्त शिक्षा व्यवस्था आदि प्रसंग उठाइबा निमंते श्री नायक कहते तेज हाजत मृत्यु को नहीं गृह में तुम्बितुफान होवार संभावना रही।